आज हम आए हैं कर्नाटक के सोमनाथपुर, जहां ऐतिहासिक चिन्नकेश्व मंदिर मौजूद है। ये मंदिर 1296 में सोमनाथ के दंड नायक द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर अपने शिल्प मूर्तियों और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। मंदिर में करीब 6000 मूर्तियां हैं, जिनमें से अधिकतर मुगलकालीन हमलों में खंडित हो चुकी हैं। 16th सेंचुरी में विजयनगर के महाराज की फाइनेंशियल एड से इस मंदिर की रिपेयर की गई। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 4 पैरेलल पट्टियां हैं, जिनमें खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर का मुख्य भवन यानी मंडप कड़प्पा स्टोन्स के पिलर्स पर टिका हुआ है। ये पिलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये मंदिर कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का खजाना है। यहाँ भगवान केशव, वेणुगोपाल और भगवान जनार्दन की पूजा होती थी। ये तीनों भगवान विष्णु के ही रूप हैं। भवन में रोशनी के लिए जालीदार खिड़कियां भी बनाई गई हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां उस समय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह हैं। इन मूर्तियों को देखकर आप उस समय के लाइफस्टाइल और कल्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे निचले बैंड पर हाथियों की मूर्तियां हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज में मंदिर की परिक्रमा करती दिखती हैं। हाथियों के ऊपर वाले बैंड में घोड़ों की मूर्तियां हैं और कुछ जगहों पर ऊंट भी शामिल हैं। कुछ जगह युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। घुड़सवारों के ऊपर वाला बैंड फूल, मोर और वाइल्ड लाइफ के लिए है, जबकि सबसे ऊपर माइथोलॉजी दिखाई जाती है। मंदिर के कई पैनल्स पर हिंदू दंत कथाएं उकेरी गई हैं। मुख्य मंदिर एक स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर है, जो मंदिर की परिक्रमा भी है, और इसमें कई गर्भगृह भी हैं। मंदिर के 3 गुंबद हैं और तीनों पर एक तोरण होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख है, और जिसमें प्राचीन कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इस मंदिर की सभी मूर्तियां खंडित हैं, और सनातन धर्म के हिसाब से खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। इसलिए यह मंदिर पूजा के लिए नहीं है। इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती है। आजकल इसका ध्यान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखता है। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।